हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहां पे हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में क्या डिसीजन हमें अभी लेना चाहिए, क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने चाहिए। दो तरीके आपको बताने वाला हूँ, एक रहेगा आपका लॉन्ग टर्म और एक यहाँ पर रहने वाला है आपका शॉर्ट टर्म। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यही डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 500 रुपए से ब्रेकआउट लेने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। कहां तक कि आपको तेजी दिखाई दी, यहां पर आप देखेंगे लगभग लगभग 550 रुपए के कुछ ऊपर तक स्टॉक यहां पर आपको जाता हुआ दिखाई दिया और फिर से होती है गिरावट। ये देखिएगा इस गिरावट पर स्टॉक में फिर से आपको तेजी देखने को मिलती है और ये तेजी स्टॉक को ऊपर लेकर के जाती है लगभग 580 रुपए तक और एक बार फिर स्टॉक गिरता है कहां तक, 520 रुपए तक। यहां पर आप देखेंगे फिर स्टॉक में आती है तेजी और फाइनली स्टॉक यहां पर 620 रुपए तक आपको जाता हुआ दिखाई दिया। ये देखिएगा 620 रुपए तक जाने के बाद स्टॉक में गिरावट होती है, स्टॉक यहाँ पर 600 रुपए के कुछ नीचे तक आता है, स्टॉक में फिर तेजी आती है, एक बार फिर 620 रुपए के भी कुछ ऊपर लगभग लगभग 630 रुपए का हाई लगता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दिया। ये देखिएगा यहाँ पर हाई कितना लग रहा है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 630 रुपए का गिरावट हुई और ये गिरावट स्टॉक को नीचे की तरफ लेकर के आती है और वापस से आप देखेंगे स्टॉक में एक बार तेजी आती है लगभग 620 रुपए तक जाने के बाद फाइनली एक बड़ा जंप आया नीचे स्टॉक के अंदर और आप देखेंगे स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन कहाँ लेकर के जाता है स्टॉक को, तो सीधा आप देखेंगे 500 रुपए के आसपास आपको यहाँ पर स्टॉक देखने को मिल जाता है। फिर स्टॉक के अंदर तेजी आती है, एक बार फिर से आप देखेंगे 560 रुपए का जो लेवल है यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दिया, फिर से स्टॉक के अंदर हो जाती है गिरावट और इस गिरावट के बाद स्टॉक फिर ऊपर की तरफ चलता है 560 रुपए के कुछ ऊपर तक आपको स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया, गिरावट करी फिर से 500 रुपए तक। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 500 रुपए एक स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है इस स्टॉक का। ये देखिएगा यहां पर आप देखिए, यहां पर भी आप देखिएगा 500 रुपए का सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर जाता है। यहां पर आप देखेंगे रेड कलर की लाइन जो कि 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, इससे ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और एक बार फिर स्टॉक यहां पर कोशिश कर रहा है कहां तक जाने की, 600 रुपए तक पहुंचने की। ये देखिएगा फाइनली अभी हमें फिर गिरावट दिखाई दी थी और यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हमें यहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, तो फ्रेंड देखिए दो डिसीजन है। अगर शॉर्ट टर्म एंट्री का सोच रहे हैं तो नीचे की तरफ 560 रुपए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहने वाला है, 560 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के एंट्री करेंगे, 620 रुपए आपका यहाँ पर टारगेट रहेगा, नोट कर लीजिएगा ऐसा। ये देखिएगा यहाँ पर आपका टारगेट है 620 रुपए का और स्टॉप लॉस कितना है 560 रुपए, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट टर्म के लिए। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस है ही नहीं। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो टारगेट आपका रहेगा कितना, 700 रुपए का, नोट कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए आपका टारगेट है 700 रुपए। बात करें स्टॉप लॉस की, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। यदि स्टॉक नीचे आता है 500 रुपए के आसपास स्टॉक आपको दिखाई दे, क्वांटिटी को एक्यूमुलेटेड करना होगा, यहां पर प्राइस को एवरेज करना होगा। ये देखिएगा यहाँ पर हम स्टॉप लॉस एग्जिट नहीं करेंगे और यहाँ के बाद भी क्या करेंगे, क्वांटिटी जैसी एक्यूमुलेटेड होगी टारगेट एज इट इज रहने वाला है 700 रुपए का, जो कि आपका सेम रहेगा और आने वाले एक साल में मुझे लगता है स्टॉक 700 रुपए के ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, तो फिर यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा यदि इस स्टॉक को अभी आप बाइंग करेंगे तो आपको डिविडेंड भी देखने को मिलेगा, साथ में स्टॉक ऊपर की तरफ आपको 700 रुपए तक के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं बिना स्टॉप लॉस के। और शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस रखिए 560 रुपए का, उसमें आपको रिस्क को बियर करना होगा 20 पॉइंट के ऊपर की तरफ, 40 पॉइंट का टारगेट 620 आप यहां पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा टेक्निकल व्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।